हाय दोस्तों, आज मैं आपको एप्पल का iOS 11 जो हाल ही में WWDC 2017 में लॉन्च हुआ है उसके 10 बेस्ट फीचर्स बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम मैक है, आप देख रहे हैं टेक्नो 7। रोज नए टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स एंड गैजेट रिव्यूज के लिए आप टेक्नो 7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्पल iOS 11 के 10 बेस्ट फीचर की। पहला फीचर है, एप्पल ने सीरी को ज़्यादा स्मार्टर बना दिया है। एप्पल का डिजिटल असिस्टेंट यानी कि सीरी का यूज़ एक महीने में 375 मिलियन यूजर्स करते हैं। एप्पल ने उसको ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है, जैसे कि सीरी आपके iOS और फ़ोन यूसेज के ऊपर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिजल्ट देता है। अब सीरी ज़्यादा इंटीग्रेटेड भी मिलेगा, वो iOS, watchOS, tvOS एंड iCloud से कनेक्ट कर सकता है। अब उसमें वॉइस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो ज़्यादा ह्यूमन लगता है एंड वॉइस भी अलग अलग टोन में निकल सकता है। अगर आप ब्राउज़र में इंडिया सर्च करते हैं तो जब भी न्यूज़ ओपन करते हैं तो इंडिया के न्यूज़ मिलेंगे और कीबोर्ड में भी इंडिया के रिलेटेड वर्डिंग मिलेंगे। दूसरा फीचर है, iOS 11 में एप्पल म्यूजिक को अपग्रेड किया है। एप्पल म्यूजिक में 27 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर है। अगर आप अपने म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो वो आपकी फेवरेट एल्बम और आर्टिस्ट भी देख सकते हैं, और सेजम से फ्रेंड की लाइब्रेरी में से सॉन्ग फाइंड करके अपनी लाइब्रेरी में भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा फीचर है, अब आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक एप्पल पे आईडी से दूसरे पे आईडी पर, लेकिन उसमें आपको टच आईडी का ऑथेंटिकेशन चाहिए। मनी आपके एप्पल पे कैश कार्ड में क्रेडिट होंगे। चौथा फीचर है एप्पल मैप का। अब एप्पल मैप में आपको लेन गाइडेंस भी मिलेगा, स्पीड लिमिट भी बताएगा एंड मॉल एयरपोर्ट में इंडोर व्यू भी मिलेगा, वो भी फ्लोर बाय फ्लोर, लेकिन ये अभी US के बड़े सिटीज़ में ही मिलेगा। पांचवा फीचर है, वो एयरप्ले 2 के लिए है। इसे आप मल्टी रूम ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके एप्पल टीवी स्पीकर के साथ कनेक्टेड है तो आप उसको भी एयरप्ले 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एयरप्ले 2 से कोई भी गेस्ट कनेक्ट करके अपना सॉन्ग भी क्यू में रख सकता है। छठा फीचर है नया ऐप स्टोर। एप्पल के ऐप स्टोर को 9 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक 180 बिलियन डाउनलोड हो चुके हैं एंड एप्पल ने ऐप डेवलपर को $70 बिलियन का पेमेंट किया हुआ है, जिसमें 30% तो लास्ट ईयर में ही हुआ है। अब iOS 11 के ऐप स्टोर में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक ऐप के लिए एंड दूसरा गेम के लिए, एंड ऐप स्टोर में नया टैब टुडे भी दिया गया है, जिसमें आपको एप्पल के फेवरेट गेम्स एंड ऐप्स मिलेंगे। सातवां फीचर है कंट्रोल सेंटर का। iOS 11 में सभी कंट्रोल एक ही पेज में दिए गए हैं और वो भी 3D टच से आप एक्सेस कर सकते हैं। आठवां फीचर है कैमरेज एंड फोटोज के लिए। आई डिवाइसी से हर साल 1 ट्रिलियन फोटोज क्लिक होते हैं, जो काफ़ी स्पेस कंज्यूम करते हैं। स्पेस को कम करने के लिए एप्पल ने नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है, जो जेपेक को HEIF में सेव करेगा, जो HEVC के बेस पे बना हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ स्पेस लेता है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए HEVC का कोडेक का यूज होगा, जो पिछले कोडेक से 2 गुना ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा। नौवां फीचर है एप्पल फाइल्स के लिए। अब आप अपनी सभी फाइल्स को थर्ड पार्टी ऐप में रख सकते हैं, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव, एंड ऑफ कोर्स आप iCloud में भी रख सकते हैं। दसवां नया फीचर है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें आप कैमरा सेंसर एंड प्रोसेसर का यूज़ करके रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे iOS 11 के 10 बेस्ट फीचर्स। डेली नए टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स एंड गैजेट्स रिव्यूज़ के लिए आप टेक्नो 7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।